एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.2। आज मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा इस एक्सरसाइज 2.2 में। इस एक्सरसाइज में आप क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमिनल के बारे में आप पढ़ोगे। पॉलीनोमिनल की जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वेयर के साथ ए होता है और एक्स के साथ बी होता है, लास्ट वाला नंबर सी होता है। और इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वेयर माइनस ये बीच वाला जो नंबर होता है ये सम ऑफ जीरोज एक्स और लास्ट वाला नंबर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमिनल के बारे में इसे सॉल्व करना बताऊंगा कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी नंबर आपके पास हो, जैसे हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिया 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास है, सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर की आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मल्टीप्लाई आपने की, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 होता है। उसके बाद आप बीच वाले नंबर पे जाओगे, बीच वाला नंबर आपको देखना है कि ये प्लस करके लाना है आपको या माइनस करके लाना है। आपको देखना क्या, लास्ट वाले नंबर का साइन। लास्ट वाले नंबर का साइन यदि प्लस का है तो ये बीच वाला नंबर प्लस करके लाना है, यदि ये माइनस का है तो माइनस करके लाना है। आपने देखा यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करके आपको 5 लाना है। इस तरीके के आपको फैक्टर इस 6 के करने हैं। आपने देखा यहाँ पे जो आपने फैक्टर किए हुए हैं 2 और 3, क्या इन दोनों को एडिशन करके 5 आता है? आपने देखा यहाँ पे 3 और 2 5 होता है, तो यहाँ पे 5 आपको फैक्टर मिल चुका है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस नंबर को हटा दोगे, इस नंबर को हटा दीजिए और जो बचे हुए नंबर है सभी को नीचे उतार दीजिए। यहाँ पे नीचे उतार दीजिए और इसको नीचे उतार दीजिए। आपने उतार दिया 2x स्क्वेयर प्लस में यहाँ पे प्लस 3 आ गया, ये आ गया। अब बीच वाले नंबर के स्थान पे इस 5x की क्या फैक्टर बनाए थे आपने, 3 और 2। सबसे बड़ा नंबर क्या आपके पास, 3। आपने सबसे पहले 3x लिखा, उसके बाद आपको 2 भी लिखना है। आपने 2x लिख दिया और 2 के साथ साइन भी आएगा। साइन कैसे लेना आपको, इन दो साइन को आपस में मिला दीजिए। जब ये दो साइन सेम होते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यदि यहाँ पे अलग अलग होते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब शुरू के दो नंबर में से कॉमन निकालिए। कॉमन सबसे पहले हम नंबर देख लेते हैं। नंबर आपने देखा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, ये प्राइम नंबर है, किसी नंबर से डिविजन नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा। और यहाँ पे देखिए एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वेरिएबल में से क्या कॉमन निकलेगा, ओनली 1x। ये निकाल दिया, अंदर यहाँ पे क्या बच गया, 2, इसमें से 1x बाहर निकल गया तो 1x बचेगा, प्लस में यहाँ पे 3 आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ से निकालिए, जो साइन यहाँ पे होता है वो साइन यहाँ पे लिया जाता है, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, ओनली 1। यहाँ पे 2x आ गया, प्लस में 3 आ गया इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना कि ये फैक्टर और ये दोनों इक्वल आने चाहिए, दोनों सेम आने चाहिए, तभी आपका आंसर यहाँ तक सही है। उसके बाद करना क्या है आपको, जो बाहर वाला नंबर है उनको एक साथ लिखिए, x प्लस 1 लिख दिया, इसमें से 1 लिखिए, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको, इसे 0 के इक्वल रखिए इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसे रखिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x को निकालिए, x इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। कोई भी नंबर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। इसी तरीके से सबसे पहले 3 को ले जाइए, 2x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप 2 को ले जाइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाके ये डिवीजन में हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब आगे करना क्या आपको, आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है ये, कि वेरीफाई किस तरीके से करोगे कि ये क्वेश्चन जो आपने यहाँ तक किया वो सही है गलत। तो वेरीफाई करने का जो तरीका होता है, वो सबसे पहले आता है, इसको हम मान लेते हैं ए,
ए के इक्वल मान लेता हूँ, उससे मान लेता हूँ मैं बी के इक्वल। ए क्या हो गया यहाँ पे माइनस वन, और बी क्या हो गया माइनस थ्री बाई टू। इसके दो जीरोज ये निकल गए, दो वैल्यू निकल गई इसकी। वेरीफाई करने का तरीका होता है, सबसे पहला होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अभी आपने देखा होगा कि मैंने बताया है कि बीच वाला जो नंबर होता है या तो प्लस करके लाना आता है माइनस करके, इसलिए हमने यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या लिया, यहाँ पे बी वाला नंबर माइनस बी अपॉन ए आ गया। सम ऑफ जीरोज मतलब जीरोज का सम, जीरोज क्या हमारे पास ए और बी, ए प्लस में बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ए क्या हमारे पास माइनस वन, आपने रखा है माइनस वन रखा आपने, प्लस में बी की वैल्यू क्या आपके पास माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू माइनस एज इट इज आ गया। वी का मान देखिए, वी की वैल्यू देखिए इस इक्वेशन में, मैंने आपको बताया था एक्स के साथ जो लिखा होता वो वी होता है, एक्स के साथ जो लिखा होता नंबर फाइव लिखा हुआ है, ये यहाँ पे वी हो गया। तो बी अपॉन में ए की वैल्यू क्या आपके पास, ए की वैल्यू एक्स स्क्वेयर के साथ होती है, तो यहाँ पे टू मिल गया आपको, तो ये आ गया टू। अब इसको सॉल्व कीजिए, दो साइन एक बनाइए सबसे पहले, माइनस वन एज इट इज आ गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि अलग अलग साइन है, तो माइनस का साइन आ गया और थ्री बाई टू। अब इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके, इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, टू एलसीएम आ गया। टू की मल्टीप्लाई वन से कीजिए माइनस टू, माइनस में वन की थ्री से कीजिए थ्री आ गया, इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया आपका माइनस टू माइनस थ्री, तो यहाँ पे हो जाता है माइनस फाइव अपॉन में टू इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, दोनों इक्वल आ गए यहाँ पे, तो ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज। अब आपको फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पी आर ओ डी यू सी टी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इक्वल होता है, लास्ट वाला नंबर मैंने बताया था मल्टीप्लाई करके लाना होता है, तो c अपॉन a, प्रोडक्ट किसका जीरोज का, तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू c अपॉन a। a क्या आपके पास माइनस वन मल्टीप्लाई b क्या माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी दी गई है, c की वैल्यू आपको दी गई थ्री, तो थ्री अपॉन a की वैल्यू कितनी दी गई है टू, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री वन जा थ्री आ गया, माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया, अपॉन में टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू। दिस इज वेरीफाई, ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे यहाँ तक आपने समझ में आया है, ये वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद क्या करना, आपको कोई भी नंबर आपको दिया होगा सम ऑफ जीरोज, कोई भी नंबर आप दिया होगा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उस टाइम पे आपको इक्वेशन का यूज़ करना है, ए एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज़ करना है। जैसे कोई नंबर दे दिया आपको टू एंड फाइव, आपको ये फर्स्ट वाला नंबर दिया हुआ है सम और ये दिया हुआ है प्रोडक्ट, आपको क्या करना है सम के स्थान पे यहाँ पे रखना है इसको और प्रोडक्ट के स्थान पे यहाँ पे रखना है, तो रख देते हैं हम, तो ए के स्थान पे क्या आ जाएगा वन एक्स स्क्वेयर माइनस में सम के स्थान पे टू आ जाता है टू एक्स प्लस में और प्रोडक्ट के स्थान पे फाइव आ जाएगा। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, दिस इज आंसर। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।